कमरिया लड़की कहा था जी, चलिए जब हम घर से बहरिया सब निहारे हमर पतली कमरिया, जहाँ देखे लज के सब घूर के। मेरे छोटे भाई थे, उनकी अचानक दोनों किडनी सूख गई जी पर साल जी, और हमने बहुत दिल्ली और लखनऊ पूर के भाई, हम जिला जौनपुर के किशमिश बना दे अंगूर के। इस धरती पर कोई रहने के लिए नहीं आया, लेकिन परमपिता परमेश्वर से इतना ही बात के लिए दुख है कि अगर मेरे भाई को आपको ले जाना था तो हमको लंगर लोज पाई से ना बनाए होते। हर गई लिदेशवा भुलाई गई लबलम, कवन सवत पीलो भाई गई लबलम। खर्चा कैसे चलता होगा? मतलब खर्चा ही तरीके से निकलता है, हम छोटा छोटा कार्यक्रम भी करते हैं जी। हाँ, मार्केट में मतलब गायकी का कार्यक्रम हो गया, वो भी कर लेते हैं। रामायण में जाके हारमोनिया बजा लेते हैं जी। और कीजिएगा जी, मैं एक लाचार बेबस इंसान हूँ जी, लेकिन अपने स्वयं शरीर से हूँ और अपने जो हमारे अंदर से जो आ रहा है उससे हम लाचार नहीं, उससे बहुत मजबूत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है आज हूँ मैं जो। नमस्कार दोस्तों, मैं बबन बागी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से माई पीजी ब्लॉग में। और आज चुका हूँ आज एक स्टूडियो में, और वहाँ पर एक भैया से मुलाकात हुआ। आइए इनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। और सिंगर भी हैं, गाना भी गाते हैं, स्टूडियो के माध्यम से इनका हर गाना निकलता है। बता दें कि जो हमारे पास खड़े हैं भैया, इनके पैर से विकलांग भी है और बहुत गरीब हैं, और हमने सोचा कि आइए एक इंटरव्यू के माध्यम से इनसे भी मुलाकात करवाएं और इनका भी गाना सुनते हैं। आप सभी लोगों को अगर इनका गाना अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तो भैया इनका परिचय इनसे ही देते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को मेरा दिल से बहुत बहुत प्रणाम, और मैं अपना स्वयं परिचय बता रहा हूँ, और भैया का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और हमारा नाम हरेंद्र सुगम बिंद है, हम ग्राम बुढ़ूपुर से हैं जी। और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा दिल से बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना जी। और यही गाने की दुनिया में हमारी रुचि थी जी, और हमारे राम सूरत खलीफा बाबा हैं, उनकी देन है। आज हमारा बिरहा भी है और छोटा छोटा लोकगीत भी है और भोजपुरी गाना भी है। आप जिस प्रकार के गाना सुनना चाहते हैं हर एक गाना हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आपका चैनल भी जी, तो चैनल का क्या नाम है हमारे दर्शकों को बताएं? तो आप लोग हरेंद्र सुगम सर्च कीजिए यूट्यूब पर, हमारा हर एक पूरा प्रोग्राम सब कुछ मिलेगा। हरेंद्र सुगम जी के नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल है, आप इनके चैनल पर जाइए और इनका जो कि वीडियो देखिए और इनका भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत गरीब है और पैर से भी विकलांग है भैया, देख सकते हैं इनके एक पैर एक हाथ से विकलांग है। तो चलिए हम आइए इनका गाना सुनते हैं, इनका गीत कैसा रहता है तो आइए एक बिरहा इनसे सुनते हैं। ये बिरहा भी गाते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। अब बिरहा तो बहुत लंबा होता है, फिलहाल आप छोटा सा सुनाइए, छोटा थोड़ा सा जी। काम ज्वाला कुचलती धर्म राह को, ये भूमिका है जैसे शुरुआत पहले होती है तो पहला भूमिका है जी। काम ज्वाला कुचलती धर्म राह को, चाह दिल की मिटाती सुघर कामनी, खास खूखार खंजर बनी गुलकली, मन चली जो अली से शिखर कामनी, गुनगुनाती रची गजगती गामनी, दामनी बन हिलाती जिगर कामनी, घोर घातक घटा बन गिरी घातनी, नासनी बन गिरी बिन भ्रमण कामनी। तो ये हो गया भूमिका, और गिरा तो बहुत लंबा होता है, फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे जी। तो आइए एक छोटा सा लाइन आपको भोजपुरी गाना सुनाते हैं, चैनल पर है ये गीत जी। चलिले जब हम घर से बहरिया सब निहारे हमर पतरी कमरिया, लड़की कहा था जी। चलिले जब हम घर से बहरिया सब निहारे हमर पतली कमरिया, जहाँ देखे लज के सब घूर के, अरे घूर के, अरे घूर के। भाई सुन पगली, हई हम जिला जौनपुर के, हई हम जिला जौनपुर के
किशमिश बना दे अंगूर के, आई हम जिला जौनपुर के, किशमिश बना दे अंगूर के। जी, तो बहुत अच्छा इनका गाना रहा, और बिरहा भी जो भी थोड़ा सा था सुनाए भैया। फिलहाल बिरहा तो बहुत बड़ा होता है, और अपने छोटे छोटे यानी टुकड़ा होता है उस बिरहा का, उसमें से सुनाए। और हम आपकी आपके घर की स्थिति कैसी भैया? घर की स्थिति बहुत ख़राब है इस समय, और मेरे छोटे भाई थे उनकी अचानक दोनों किडनी सूख गई जी पर साल जी, और हमने बहुत दिल्ली और लखनऊ बनारस में मेरा देख रहे हैं कि एक हाथ खराब है जी, और इधर पैर भी खराब है, फिर भी अपने भाई को लेके मैं इधर उधर दर बदर की ठोकर खाता रहा जी। और परमपिता परमेश्वर से मुझे तकलीफ नहीं है कि जो आया है सो जाएगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा गायक हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। इस धरती पर कोई रहने के लिए नहीं आया, लेकिन परमपिता परमेश्वर से इतना ही बात के लिए दुख है कि अगर मेरे भाई को आपको ले जाना था तो हमको लंगर लोज पाइस ना बनाए होते, बस यही दुख है, और उनसे कुछ दुख नहीं है। आपकी माता पिता? माँ बाप दोनों हैं, और बीवी है भी है, और तीन बच्चे। शादी भी? जी जी, शादी हो गया। तो आपके परिवार का पालन आपके भरण पोषण कैसे, उनकी खर्चा कैसे चलता होगा? मतलब खर्चा यही तरीके से निकलता है, हम छोटा छोटा कार्यक्रम भी करते हैं जी। हाँ, मार्केट में मतलब गायकी का कार्यक्रम हो गया, वो भी कर लेते हैं। रामायण में जाके हारमोनिया बजा लेते हैं जी। तो कैसे आप हारमोनिया बजाते हैं? आपका एक हाथ से इसे ही बजाते हैं पकड़ के जी। तो हम चाहेंगे कि एक और गीत हमारे दर्शकों को, जो आपके चैनल के माध्यम से आया, चैनल पे है जो गाना गाया, ये दोनों गाना चैनल पे थे जी, तो हम चाहेंगे एक और गीत सुनाए हमारे दर्शकों। चलिए, जरूर सुनाएंगे, और जितना लोग मुझे देख रहे हैं अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा जी। मैं एक लाचार बेबस इंसान हूँ जी, लेकिन अपने स्वयं शरीर से हूँ, और अपने जो हमारे अंदर से जो आ रहा है उससे हम लाचार नहीं, उससे बहुत मजबूत है जी। आइए एक प्यारा सा गीत और सुना देते हैं। आप लोग को देसी गीत सुना रहे हैं, कहरागुआ, देसी कहरागुआ गीत जो गांव में गाया जाता है वो सुना जी। और चैनल पे है गई लबिदेसवा भुलाई गई लबलम, हर गई लबिदेसवा भुलाई गई लबलम, कवन सवत पेल भाई गई लबलम, कवन सवत पेल भाई गई लबलम, हे गई लबिदेसवा भुलाई गई लबलम, कवन सवत पेल भाई गई लबलम, कवन सवत पेल भाई गई लबलम। दोस्तों, भैया को कुछ दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा गीत सुनते रहेंगे। और आपकी जब स्टेज शो करने जाते हैं उसमें आपको कितना पैसा मिलता होगा स्टेज शो में? जब हमारा खुद का कार्यक्रम रहता है तो मतलब हम कम से कम 3,000-2,500 तक हमारा बच जाता है सबको देने के बाद, और क्योंकि जहाँ पर कार्यक्रम लेते हैं मतलब उनसे ज़्यादा पैसा नहीं मांगते हैं। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो लोग आएंगे उनको हम दिला देते हैं, कहते हैं भैया हमको आप मत दीजिएगा जी, जो आपको हो सके इनाम बख्शीश हमको मिल जाएगा उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। फिर भी हमको आप सबका इतना प्रेम आशीर्वाद है कि हम 2,500-3,000 से लेके 3,500-4,000 तक हमारा हो जाता है। और मैं इसको सुना के उसके बाद आप सबसे अलविदा लूँगा, लेकिन मुझे कहना है जी, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी हो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है, जिंदगी से कैसा सिखवा खुद से तो शिकायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी हो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है, गा रहा हूँ इस महफिल में। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा भैया। आपका जो आपके रिलेशन से है, आपका
कुछ पैसा वैसा देते कि नहीं, रिलेशन के लोग आपका हेल्प करते हैं कि नहीं, घर घर के जो पटीदार होते हैं वो लोग करते हैं कि नहीं कुछ? नहीं भैया, ऐसा कोई नहीं। आज के ज़माने में देखा जाए तो अपना स्वयं भाई भी खुद को सपोर्ट नहीं करता जी, और हमें कोई नहीं सपोर्ट करता। मैं जो कुछ हूँ आप लोगों का प्यार आशीर्वाद, और इसी से मेरा जीवन चल रहा है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी कारणवश मेरा कुछ रुक जाता, नहीं रुकता है जी, सब आप लोगों का आशीर्वाद। तो आप कहीं स्टेज शो करने जाते तो आपको लिवा के कौन जाता होगा? आपका पैर दिखला, पैर से दिखलांग, हाथ से दिखलांग? हमारे मित्र हैं, अनुरोध हैं, अगर वो रहते हैं तो वो लिवा के जाते हैं, नहीं तो कोई दूसरा है उसको कह देते हैं। तो लिवा जो लिवा के जाते हैं उनको हम खर्चा दे देते हैं जी, 150 दे देते हैं तो, और खिला पिला भी देते हैं तो। तो आपके हेल्प के लिए आपके रिलेशन वाले नहीं आए आगे आपके, आपके साथ से मुलाकात करने के लिए? आप चलो हमारे साथ रहो, हम तुम्हारा सब कुछ देखेंगे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं किया। अजय भैया थे, कुछ सपोर्ट वो किए थे। अजय भैया कौन है? अजय भैया हमारे ग्राम सभा से हैं, गाड़ी चलाते हैं जी, और एक उनका नाम डब्बू डब्बू उनको कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे सीधे इंसान हैं, वो भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। और एक भैया सऊदी में है, त्रिवेणी गुप्ता जी, वो भी हमारा सपोर्ट किए हैं। तो ये लोग हमें लगभग अगर कोई दिक्कत रहती है, जहाँ हम असमर्थ रहते हैं वहाँ उनसे कहते हैं तो हमारा तुरंत काम हो जाता है। आपका आपके रिलेशन वाले आपका हेल्प नहीं किए? नहीं नहीं, घर में तो कोई नहीं किया जी। आपके यानी जो रिश्तेदार लोग हैं? हम रिश्तेदार से मतलब आज दे देंगे तो कल कहेंगे जी और ताना मारेंगे, इसलिए जो हमारे दिल में रहने वाले हैं हम उनसे कह देते हैं, लेकिन अपने किसी से पास पड़ोस में कहीं किसी से नहीं। तो चलिए दोस्तों, भैया का इंटरव्यू ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इनके चैनल पे जाइएगा। का इनका ये देखिए पैर, हाथ से पैर से बेचारे विकलांग हैं, और इनका जो भाई था ये भाई को इन्होंने बताया कि हमारे भाई को ऐसा हो गया था, वो आप इस दुनिया में नहीं है जी। आप सभी लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भैया जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, और एक छोटा सा प्रयास है आप सबके बीच में जी। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए, साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबाएगा, ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप सभी लोग तक पहुँचे। और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही टॉपिक।